नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,44,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,978 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,44,134 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 117, अरवल में 16, औरंगाबाद में 49, बांका में 24, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 91, भोजपुर में 30, बक्सर में 18, दरभंगा में 37, पूर्वी चंपारण में 84, गया में 52, गोपालगंज में 64, जमुई में 13, जहानाबाद में 19, कैमूर में 4, कटिहार में 32, खगड़िया में 11, किशनगंज में 25, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 51, मधुबनी में 61, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 134, नालंदा में 46, नवादा में 88, पटना में 258, पूर्णिया में 91, रोहतास में 34, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 57, सारण में 63, शेखपुरा में 25, शिवहर में 27, सीतामढ़ी में 54, सिवान में 18, सुपौल में 51, वैशाली में 24, पश्चिम चंपारण में 52। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के तहत कुल मिलाकर 1,26,411 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 741 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक भर्ती के लिए मांगे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कुल मिलाकर 18 पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की है, जिसके तहत आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बताया है कि जारी किया गया पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। 29 नवंबर से पहले पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव का होगा आयोजन। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 29 नवंबर से पहले कर दिया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय 65 सीटों पर उपचुनाव कराने की तैयारी भी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को नवंबर 2020 से पहले पूरा करवाना है। अलग अलग राज्यों में 64 विधानसभा और लोकसभा सीट पर उपचुनाव करवाया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना कार्यालय के सामने विरोध करने बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं। बीते दिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अरवल प्रखंड मुख्यालय से परियोजना कार्यालय पर अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर सभी सेविकाएं विरोध करने बैठी थी। इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो अपना विरोध जारी रखेंगी। आंगनबाड़ी के जिलाध्यक्ष मीरा देवी के अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 साल में कोई मानदेय नहीं दिया गया है, इसीलिए बिहार सरकार के खिलाफ 1 अगस्त से पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन विरोध पर है। उनकी विरोध कर रही सेविकाओं ने बताया है कि साल 2019 में 40 दिन के विरोध के उपरांत मंत्री स्तरीय वार्ता में अतिरिक्त मानदेय की राशि 50% बढ़ोतरी का लिखित समझौता हुआ था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। शिक्षक दिवस समारोह आयोजन के आज ही के दिन होने के पीछे है कई कारण। शिक्षक दिवस समारोह 1962 के बाद से भारत में 5 सितंबर के दिन ही मनाया जाता है। आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन करवाया जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बेहतरीन स्कॉलर, भारत रत्न से सम्मानित पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में अलग अलग स्तर पर कई छात्रों को शिक्षित किया है। उनका मानना था कि देश का भविष्य छात्रों के हाथ में निर्भर करता है। केंद्रीय टीम का बिहार दौरा हुआ खत्म। केंद्रीय टीम का बिहार दौरा खत्म हो चुका है। यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची 6 सदस्यीय टीम ने बीते दिन प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां केंद्रीय टीम ने गुरुवार को गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जायजा लिया और वापस पटना लौटी। वहीं बीते दिन दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय टीम एक बार फिर से बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके साथ ही टीम के पटना पहुंचने पर आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार में हुए बाढ़ से नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी भी सौंप दी थी। साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जिलों में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी भी दे दी गई है। BSSC इंटर लेवल 1 मुख्य परीक्षा की तारीख हुई घोषित। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट लेवल 1 की मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत यह परीक्षा अक्टूबर को आयोजित करवाई जाएगी। BSSC के ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो उम्मीदवार BSSC के विज्ञापन संख्या 0606011 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं, वो अब 14 अक्टूबर 2020 को मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। इस संबंध में भी BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस की आधिकारिक जानकारी दे दी गई।
गई है, जिसके तहत सभी अभ्यर्थी bssc.bih.nic.in पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं, जहां पर परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ ही यह परीक्षा 8, 9, 10 दिसंबर 2018 में हुई थी और 14 फरवरी 2020 को इसके रिजल्ट की घोषणा हुई थी। राशन वितरण में देरी पर मंत्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कोविड 19 संक्रमण के दौरान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य साफ तौर पर यह था कि देश भर के लोगों को राशन मुहैया कराया जा सके, लेकिन बिहार में ठीक तरीके से अनाज का वितरण नहीं होने की वजह से अगस्त महीने में मात्र 24% राशन का वितरण किया जा सकता है। वहीं बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सैनी ने कहा है कि बाढ़ की वजह से अनाज का वितरण नहीं हो पाया है, लेकिन पानी हटते ही हम लोगों को अनाज देना शुरू करेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ऐश्वर्या निगम की। ऐश्वर्या निगम एक भारतीय पार्श्व गायक हैं, जो कि हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन गायकी के लिए पहचाने जाते हैं। ऐश्वर्या हिंदी फिल्म दबंग में मुन्नी बदनाम हुई के लिए कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। ऐश्वर्या निगम का जन्म 4 जुलाई 1989 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऐश्वर्या ने अपनी आगामी पढ़ाई अपने शहर से पूरी की थी। ऐश्वर्या के करियर शो सारेगामापा से साल 2006 में शुरू हुई थी। उन्होंने बतौर प्रतिभागी शिरकत किया था और शो की विजेता भी बने थे। ऐश्वर्या NDTV के शो कितनी मोहब्बत का टाइटल ट्रैक में भी अपनी आवाज दे चुके हैं और वो अब तक हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन सिंगर के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें ललित पांडे, अनु मलिक, प्रीतम, साजिद वाजिद और समीर टंडन का नाम शामिल है। STET अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में आई कई गड़बड़ियां। एडमिट कार्ड में पाई गई त्रुटि का सुधार करवाने के लिए बीते दिन BSEB के गेट पर STET अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखा गया। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा 9 सितंबर से शुरू होने वाली है और 30 सितंबर तक आयोजित करवाई जाएगी, जिसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन करवाया जाना और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था। ऐसे में एडमिट कार्ड के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर काफी संख्या में अभ्यर्थियों को देखा गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि उनके एडमिट कार्ड में सुधार जल्द से जल्द करवाया जाए। हालांकि छात्रों ने शिकायत की है कि बोर्ड ऑफिस का कोई भी पदाधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बाहर नहीं आया था। बिहार में कोविड 19 जांच का नया रिकॉर्ड हुआ कायम। बिहार में कोविड 19 जांच का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1.5 लाख कोविड 19 जांच करवाया गया है। रिकवरी रेशियो 87.70% है, जबकि अभी भी 16,981 एक्टिव मामले मौजूद है। वहीं बिहार में हर दिन जांच की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अब तक कुल मिलाकर 37,21,205 जांच किए जा चुके हैं। पटना में सफल हुआ CNG बसों का ट्रायल रन। राजधानी पटना में CNG बसों का ट्रायल रन सफल किया गया है, जिसके बाद अब राजधानी सड़कों पर CNG बसें चलने को तैयार हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी होने की उम्मीद जताई गई है। पुराने डीजल सहित बसों की CNG में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर राजधानी में सफल ट्रायल रन किया जाएगा, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पटना निगम बस सेवा में परिचालित होने वाले 20 डीजल चलित बसों को CNG कन्वर्ट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की दो पीढ़ियों को बेरोजगार करने के लगाए आरोप। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। साथ ही बेरोजगारी मुद्दे को उठाते हुए आरोप भी लगाया है। सरकार राज्य के युवकों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसके साथ ही नौकरियां छीन ली गई हैं, पुराने उद्योग धंधे को बंद करवा दिया गया है, एक भी नया कारखाना नहीं खोला गया है। सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। युवाओं की दो पीढ़ियों को बिहार सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे JP नड्डा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बिहार दौरे को लेकर 8 सितंबर को पटना पहुंच रहे हैं, जहां पहुंचकर वो कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं उन्होंने बीते दिन पार्टी के मीडिया प्रभारी की कार्यशाला को वर्चुअल तरीके से संबोधित भी किया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में मीडिया विंग की भूमिका कैसी हो, इसके लिए 2 दिन की कार्यशाला आयोजन किया गया था। 7 सितंबर को ही कांग्रेस करेगी वर्चुअल रैली का आयोजन। 7 सितंबर को बिहार में सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी वर्चुअल रैली का आयोजन करने वाली है, जिसकी जानकारी शक्ति सिंह गोहिल ने दी है। 2 दिवसीय दौरे पर पटना आए बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में रोजगार को लेकर मुहिम चलाई जाएगी। बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए NDA ने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया है। 7 सितंबर को कांग्रेस की वर्चुअल रैली के आगाज के साथ ही पार्टी अपनी तैयारी को मुकम्मल करेगी।
ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकाली गई 5,222 रिक्तियां। कोविड-19 के इस माहौल के बीच ग्रामीण डाक सेवक के लिए 5,222 पदों पर रिक्तियों की मांग की गई है, जिसके तहत ओडिशा पोस्टल सर्कल और तमिलनाडु पोस्टल सर्कल में बंपर भर्तियां निकाली गई है। भारतीय डाक विभाग के तहत ग्रामीण डाक सेवक बनने का सुनहरा मौका भी दिया गया है और इसी क्रम में कुल मिलाकर 5,222 वैकेंसी निकाली गई है। खास बात यह है कि इसके लिए ना तो कोई इंटरव्यू का आयोजन करवाया जाएगा और ना ही परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए छात्रों को 30 सितंबर तक आवेदन भरना होगा। उम्मीदवार कम से कम 10 पास होना अनिवार्य है। जो भी छात्र आवेदन भरना चाहते हैं वो इसके आधिकारिक वेबसाइट appost.in/gds-online या फिर indiapost.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनडीए परीक्षा को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने की बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं नेवल एग्जामिनेशन 2020 के सफल शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए जोनल दंडाधिकारी, सहायक समन्वय पर्यवेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, स्थानीय निरीक्षक अधिकारी, केंद्र अधीक्षक की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। 6 सितंबर को पहली पाली में 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर लगभग 41,000 परीक्षार्थी भाग लेने वाले हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से 80 लाख का लिया गया फाइन। विशेष मुहिम के तहत बिना मास्क पहने लोगों से 1 अगस्त से अब तक कुल मिलाकर 80 लाख रुपए का चालान काटा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलाध्यक्षों को वाहन चेकिंग मुहिम के लिए निर्देश जारी कर दिया था, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस की तरफ से शुरू की गई सघन जाँच के तहत सिर्फ एक दिन में 79 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 79,53,550 रुपए भी फाइन के रूप में वसूले जा चुके हैं। वहीं बीते दिन तक कुल मिलाकर 2,18,300 रुपए की वसूली की जा चुकी है। 5 महीने में पहली बार राज्य के राजस्व में दिखी वृद्धि। 5 महीने में पहली बार अगस्त महीने में राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत बीते दिन राजस्व में 11.70% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। साझा की गई जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में पहली बार 5 महीने में पिछले साल की तुलना में अगस्त में राज्य के अपने राजस्व संग्रह में 39,989 करोड़ से कोसों दूर है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद कम से कम पिछले साल जितना कर संग्रह किया जा सके। NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक पर कसा शिकंजा। बीते दिन शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को पकड़ लिया गया है। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों के पकड़े जाने की पुष्टि हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में यह दोनों संदिग्ध चल रहे थे, वहीं अब NCB ने भी दोनों को पकड़ लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शोविक चक्रवर्ती ने कुछ निजी चैट सामने आ गए थे, जिसके बाद ही NCB की टीम ने इन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को लेकर 7 सितंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 7 सितंबर तक फैसले को बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसमें गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक है या किसी वर्ग विशेष का इसकी जानकारी साझा करने की बात कही गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश S. कुमार की खंडपीठ की गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते मांगी गई है। खंडपीठ ने साफ तौर पर कहा है कि विष्णुपद मंदिर से जुड़े लोगों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इस मंदिर में आम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर गया के जिलाधिकारी और विष्णुपद मंदिर प्रबंधन से जवाब भी तलब किया था। साल भी मोइनुलहक स्टेडियम में रणजी मैच का होगा आयोजन। आगामी घरेलू सत्र में मैच के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 7 महीने के लिए मोइनुलहक स्टेडियम चुना गया है। राज्य खेल प्राधिकरण से आवंटन मिलने के बाद BCA ने शुक्रवार को स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम शुरू करवा दिया है। स्टेडियम के मैदान में उगी लंबी घास की कटाई शुरू हो गई है, जिसके लेकर के BCA के प्रवक्ता और अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार संजीव कुमार मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की और बताया है कि साल 2020 सत्र में BCCI की तरफ से रणजी और सीनियर महिला क्रिकेट का आयोजन इसी मैदान में करवाया जाएगा, जिसकी मेजबानी BCA को भी मिलेगी। जीतन राम मांझी के बाद अब भाजपा ने भी चिराग पासवान को दी नसीहत। अपने बागी तेवर में नजर आ रहे चिराग पासवान को जीतन राम मांझी ने कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार को पार्टी से नहीं उलझने की नसीहत दी थी, वहीं अब चिराग पासवान को भाजपा की तरफ से भी दो टूक नसीहत दे दी गई है, जिसके तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के मंत्री प्रेम कुमार ने बिना नाम लिए चिराग पासवान को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, कोई बयान नहीं दे जिससे कि सहयोगी दलों के बीच कड़वाहट पैदा हो, इसीलिए सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। पप्पू यादव ने 94 सीटों का किया बंटवारा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिन 94 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही बताया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में किस जाति के उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी। अब तक घोषित 94 सीटों में से यादव को 20, भूमिहार ब्राह्मण को 16, मुसलमान को 13, दलित को 9, अति पिछड़ा को 9, राजपूत को 7, कुशवाहा को 5 और अन्य को 5 दिए गए हैं।
पप्पू यादव ने कहा है कि जो भी बिहार में विकास की राजनीति करेगी, हम सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलेंगे, बाकी सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। इसके साथ ही बिहार की जनता इस चुनाव में जात पात और धर्म की राजनीति करने वालों को सबक जरूर सिखाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में रालोसपा ने राजद को सौंपी अपने दावेदारी वाली सीटों की सूची। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच अंतिम परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। दो दिन पहले राजद से हुई बातचीत के बाद शुक्रवार को रालोसपा नेताओं ने अपनी दावेदारी वाली सीटों के नाम राजद कार्यालय को सौंप दिए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सौंपी गई सूची में रालोसपा ने अधिसंख्य सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दे दिए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है राजा भैया, नीतीश कुमार, नूतन सिंह, समथिंग स्पेशल, लालू कुमार, पप्पू पासवान, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मीपति, रीवा कुमारी, प्रहलाद सिंह, गुंजन पटेल, निराला मोहन, रामदास सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, लाल सिंह, राजपूत। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने प्रिय शिक्षक को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।